हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 6 क्लास की हिंदी की किताब रुसरा का 11वां चैप्टर पुष्पोत्सवा। पुष्पोत्सवा माने होता है फूलों का उत्सव। और इस पाठ में बताया गया है कि जो दिल्ली है वहाँ पर अक्टूबर के महीने में फूलों का उत्सव मनाया जाता है। और जो पुष्पों से बने पंखे होते हैं वो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं। और यह उत्सव जो है पिछले 200 सालों से बनता चला आ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। उत्सव प्रिया भारत देशा, भारत उत्सव प्रेमी देश है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यहाँ कहीं पर शस्योत्सव माने शस्य माने फसलों का, उत्सव माने उत्सव, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सव भवति, कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कहीं धर्मों का या धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानोत्सव भवति, मतलब कहीं पर यानों का उत्सव होता है, तो कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः, इनमें से एक है पुष्पोत्सव। ऐसा तो इनमें से एक है पुष्पोत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, है फूल वालों की सैर इस नाम से, इति नामना माने इस नाम से प्रसिद्धा अस्ति, प्रसिद्ध है ये फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या बताया गया यहाँ पर, उत्सव प्रिय भारत देश है, भारत उत्सव प्रिय देश है। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, तो कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। इनमें से एक है पुष्पोत्सव, मतलब फूलों का उत्सव। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। दहलिया मेहरौली क्षेत्र अक्टूबर माह से अस्य आयोजनम भवति, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। दहलिया माने दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र, मेहरौली के क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर क्या है सप्तमी विभक्ति। तो दहलिया मेहरौली क्षेत्र, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका अस्य माने इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ति, तो इसमें क्या होता है, इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दृश्यन्ते माने दिखाई देते हैं। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षण तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, तो व्यंजनानि मतलब क्या होता है पंखे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहाँ पर बहुविधानि अनेक प्रकार के पुष्पाणि दृश्यन्ते, तो अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षण तो अस्ति पुष्प निवृतानि व्यंजनानि, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो क्या है यहाँ पर, किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बना पुष्प निर्मितानि माने फूलों से बना व्यंजनानि माने पंखा, किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने पंखे। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंद्रे बख्तियार का की इतस समाधि स्थले च अर्पयन्ति, तो लोग क्या करते हैं, जना एतानि पुष्प व्यंजनानि, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी, तो बख्तियार काकी की इतस्य समाधि स्थले, इस समाधि स्थल पर अर्पित, मतलब अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पई निर्मितानि, केचन कलकार पुष्पई, अन्य जपा कुसुमई, अपरे मल्लिका पुष्पई, इतरे च गेंदा पुष्पई निर्मितानि व्यंजनानि नियंति, तो यहाँ बताया गया है कौन कौन से पुष्पों से पंखे बनाए जाते हैं। केचन पाटल पुष्पई निर्मितानि, कुछ पाटल पुत्र पुष्पई माने कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं। और केचन कलकार पुष्पई, कुछ कनेर के पुष्पों से बने होते हैं। अन्य जपा कुसुमई, जपा कुसुमई किसको कहते हैं, गुड़हल के फूलों को, कुछ गुड़हल के फूलों से बने होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पई, कुछ चमेली के फूलों से। इतरेचा और दूसरे गेंदा पुष्पई, गेंदे के फूलों से बने। व्यंजनानि नियंति, व्यंजनानि माने पंखे, नियंति माने लाते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से, कुछ चमेली के फूलों से, दूसरे गेंदा के फूलों से बने पंखे लाते हैं।
अयम उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीडा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविध क्रीडाएं और कुश्ती भी चलती है। अयम उत्सव मतलब यह उत्सव दिवस त्रयम, त्रयम माने होता है 3 दिवस, माने होता है दिन, यावत माने तक, प्रचलति माने चलता है। तो यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु माने इन एतेषु दिवसेषु मतलब इन दिनों में पतंगानाम उड्डयनम पतंगों का उड़ाना, विविध क्रीडाएं, मल्लयुद्धम माने होता है कुश्ती, चा माने और, अपि माने भी, और प्रचलति माने चलती है। तो इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविध क्रीड़ाएं और कुश्ती भी चलती हैं। भिक्तेभ्यः दुष्टवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जना आनंदयति। भिक्तेभ्यः दुष्टवर्षेभ्यः माने गत 200 साल से, पुष्पोत्सवः पुष्पोत्सव जनान आनंदयति मतलब लोगों को आनंदित कर रहा है। और मध्ये यम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में यम मनोहरिणी परंपरा पुनः समारब्धा, ये मनोहारी प्रथा पुनः शुरू हो गई। तो पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोहसाम च प्रचलति। पुष्पोत्सव माने पुष्पोत्सव, अद्यापि माने आज भी, सो उल्लासम उल्लास के साथ, सो उत्साहम उत्साह के साथ, च प्रचलति चलता है। तो पुष्पोत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चलता है, मतलब लोग आज भी इसको उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो गत 200 साल से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। बीच में ये परंपरा स्थगित हो गई थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी प्रथा पुनः शुरू हो गई। पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और आप इसको समझ के अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।